हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडेड्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेटिंग बॉर्डर। ये बॉर्डर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं, स्वेटर के लिए, लेडीज जेंट्स, किड्स, गर्ल बॉय, किसी के लिए भी ये बॉर्डर आप बना सकते हैं। और अगर ये डिज़ाइन आप पूरे स्वेटर पर बनाना चाहें भी आपकी मर्जी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है, डिफरेंट सा। तो आपके लिए आज डिफरेंट सा बॉर्डर लाए हैं, बहुत ही आसान करके समझाऊंगी आपको। है फंदे डाल लेंगे सिलाई पे, फंदे आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो मैं सिखा रही हूँ या इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। यू कैन यूज एनी मेथड टू कास्ट ऑन स्टिचेस। इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। और ये जो डीपीएन में यूज कर रही हूँ वो जस्ट सिखाने के लिए कर रही हूँ। आप किसी भी कोई भी सिलाई इस्तेमाल कर सकते हैं सीधी वाली। आई एम यूजिंग डीपीएन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। यू कैन यूज एनी स्ट्रेट सिंगल पॉइंटेड नीडल एज वेल। सो फॉर दिस स्टिच पैटर्न फॉर बॉर्डर यू नीड ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस। आपने क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस मतलब फंदे जो है आपने ऑड नंबर वाले लेने हैं। किस तरह से, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, मतलब इस तरह से आपने फंदे लेने हैं। मैं देखूं मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 फंदे मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाले हैं। मैं आपको खाली सिखाने के लिए इतने डाल रही हूँ, लेकिन आप ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लिए हैं यहाँ पे, बट है क्या है, ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस है, मतलब बराबर नहीं है। जैसे 15 डाले, फिर 17, फिर 19, फिर 21, इस तरह से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग रो बुनेंगे। सेटिंग रो क्या है हमारी, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। सेटिंग रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी है सेटिंग रो, उल्टी साइड से। सेटिंग रो हमारी पूरी हो गई है, सेटिंग रो इज कंप्लीटेड फ्रॉम रॉन्ग साइड। नाउ राइट साइड रो वन, पहली सिलाई शुरू कर रही हूं सीधी साइड से। हमने क्या करना है, पहले वाले फंदे को आप ये 8 स्टिच है, या इसको बुने या आप इसको उतार दें, आपकी मर्जी है। दिस इज 8 स्टिच, यू कैन स्लिप दिस स्टिच और निट दिस, इट्स टोटली अप टू यू। ये सिर्फ आपकी मर्जी है। अब डिजाइन का जो रिपीट होगा हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फंदा आपने इस तरह से सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया, यहां से हमारे रिपीट हैं, ठीक है। एक फंदा आपने सीधा बुन लिया और फिर आपने क्या करना है, ये जो इस फंदे के नीचे ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला फंदा लूप कह लें, इसको आप ऊपर उठा के और इसके ऊपर रख देंगे, बस। उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेना है आपने। What you will repeat is knit one, pick the loop, put it on the needle and then knit one stitch. Repeat this to the last stitch. आपने यही करना है, एक फंदा सीधा बुना, यहां से आपने लूप उठाया, वापस सिलाई पे रखा और फिर एक को सीधा बुन लिया। आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद फिर आपने उसके नीचे वाला ये लूप उठाया और ऐसे सिलाई पे रख दिया, फिर एक फंदा सीधा। ये हमारा रिपीट है, फिर से करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला है ना, ये मैं उठा रही हूँ, ये बम्पी बम्पी से जो आप देख रहे हैं ना, ये लूप ये इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, फिर से दिखा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से एक फंदा आपने बुना सीधा और फिर ये वाला लूप उठा के आपने ऊपर रख दिया, सही है। फिर से एक सीधा बुन लें, फिर से आप क्या करेंगे, एक सीधा बुना और आपने ये वाला जो लूप है फंदा बोल लें आपने उठाना है और सिलाई पे रख देना है और इसको सीधा बुन लें। नेट दिस स्टिच, pick this loop and put it on the needle and knit this stitch. Just keep repeating this. भाई फिर से रिपीट करके दिखा रही हूँ मैं, देखिए कोई चीज़ स्किप नहीं करी है ताकि बिगिनर्स की हेल्प हो। आखिरी फंदे तक, मतलब सारे फंदों तक हमने इसी तरह बुन लेना है। ये देखें, ये
एंड नेट दिस वन, ये सीधा बुन ले। अब रो दूसरी सिलाई, रो टू आपने क्या करना है, ये रॉन्ग साइड है रो टू दूसरी सिलाई, आपने पहला फंदा जो है ये एट स्टिच है, इसको आप स्लिप करें या बुन लें आपकी मर्जी है। दिस इज एट स्टिच, यू कैन स्लिप और निट दिस स्टिच, टोटली अप टू यू, आई एम निटिंग दिस स्टिच, निट दिस वन। और आपने ये क्या करना है, ये जो हमने एक सीधा बुना और एक उठा के निडल पे रखा ना, इन दोनों को साथ बुना है। आपको दिख भी रहा होगा कि जो जो हमने फंदा उठाया था एक सीधा बुन के, ये दोनों साथ लगे हुए हैं मिलकर, सही। तो आपने क्या करना है, ये जो साथ मिले हुए हैं निट देम टुगेदर, हमने इन दोनों को सीधा बुन लेना है, जो साथ में है उनको हमने सीधा बुनना है, आपको दिखते जाएंगे, एक जो हमने सीधा बुना, दूसरा जो हमने नीचे से उठा के सिलाई पे रखा, बाकी जो हमने सीधे बुने हैं ना उनको आपने बस अकेला ही बुनना है। निट दिस वन, नाउ कीप रिपीटिंग दिस, निट टू टुगेदर एंड निट दिस स्टिच, ये दोनों साथ बुनेंगे, निट दिस टुगेदर एंड दिस इज द सेपरेट वन, यू जस्ट निट दिस वन। बस इसी तरह आपने पूरी सिलाई बुन लेनी है, एक सीधा दो को साथ में, एक सीधा फंदा दो को साथ में सीधा बुनेंगे, एक सीधा फंदा दो को सीधा साथ में, आखिर तक इसी तरह से। रो टू कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। राइट साइड सीधी साइड आपके बॉर्डर की, एक फंदा आप ये एट स्टिच है स्लिप करें या सीधा बुने आपकी मर्जी है, मैं इसको सीधा बुन रही हूं ताकि बिगिनर्स कंफ्यूज ना हो। इसको हमने सीधा बुन लिया, अब हमने क्या कर रहा है, पहले क्या किया था हमने कि एक फंदा सीधा बुन के दूसरा नीचे से उठा के लूप सिलाई पे रखा और फिर सीधा बुना। अब इनको हम कर लेंगे उल्टा, पहले हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे निट वन, एक फंदा सीधा बुना, अब इस वाला फंदे ये देखें आपको दिखेगा भी इस तरह से शेप, अब इस वाले फंदे को हमने क्या करना है सीधा बुनना है और ये वाला लूप उठा के ऊपर रखना है। नाउ फ्रॉम ऑन रो थर्ड रो व्हाट वी विल डू इज निट वन एंड देन निट वन पिक द लूप अप। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको ये निट टू टुगेदर वाला फंदा है भाई, ये जो साथ नहीं बुने थे आपको थोड़ा सा इसका शेप भी दिखेगा, तो इसको आपने क्या करना है सीधा बुन लेना है, बस सीधा सीधा बुनेंगे, यहां से कुछ पिक नहीं करना है, बस यही हमारा रिपीट है। एक सीधा बुना, एक को सीधा बुना और उधर से आपने एक लूप उठा के ऊपर रख लिया, फंदा भी बोल सकते हैं। फिर से आपको ये देखिए शेप भी दिखने लगेगा, जब आप चार पांच दफा ये सिलाई रिपीट करेंगे ना सिलाइयां, तो आपको क्या होगा कि बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा, आपको दिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे करते जाएंगे। एक सीधा बुना, अब आपको ये देखिए ये अकेला वाला है, तो आपने क्या करना है एक सीधा बुन के ये उठा लेना है, फिर से रिपीट निट वन एंड पिक वन, निट वन एंड पिक वन, एक फंदा सीधा, एक सीधा बुन के यहां से दूसरा उठा लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आखिरी दो फंदों तक इसी तरह कर लेंगे, कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट टू स्टिचेस एंड देन निट दीज टू स्टिचेस। अब ये दो आखिरी फंदे जो हैं हम सीधा बुनेंगे, भाई कितने भी फंदे आपने डाले हो ना तो आपका क्या होगा आखिर में, इस तरह से दो बचेंगे। ये देखें यहाँ पे अब एक फंदा सीधा बुना, दूसरा उठा लिया, तो अब दूसरा तो नहीं बुन सकते ना कि एक बुन के और फिर आखिर में इस तरह से, कहां से फिर उठाएंगे, जगह ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, तीसरी सिलाई दो फंदे सीधे बुन लेंगे, अब चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह ही होगी, एक फंदे को आपने क्या करना है सीधा बुना, एट स्टिच स्लिप भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है, दिस इज एट स्टिच, फोर्थ रो रॉन्ग साइड, ये हमारा भाई अकेला फंदा है, निट वन निट टू स्टिचेस टुगेदर। पहले हम क्या कर रहे थे, दो को साथ में बुन के फिर एक बुन रहे थे ना, अब हम एक बुन के दो को साथ में बुन रहे हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, आपको दिखेगा जो शेप जैसे आएगा ना आपकी मर्जी वो आप देख लेंगे, आप अपने हिसाब से करते जाएंगे। ये देखें एक ये जो अकेला दिख रहा है आपने उसको सीधा बुन लेना है, ये दो साथ में दिख रहे हैं उसको आपने साथ में बुनना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भूल भी जाए ना कि भाई हमने पिछला वाला फंदा क्या बुना था, साथ में बुना था या अकेला बुना था, तो आपको
शेप देखकर भी पता चल जाएगा, और मैं बता तो वैसे ही रही हूँ, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी वैसे ही होंगी, तो आपको आसानी होगी। सो नेट वन नेट टू टुगेदर यू जस्ट फॉलो द शेप टू द लास्ट टू स्टिचेस, आखिरी दो फंदों तक। ये देखें, अब इन दो फंदों को आपने क्या करना है, सीधा बुन लेना है। नेट दीज टू स्टिचेस, जो चार सिलाइयां हैं, अब यही आपने रिपीट करते जानी है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आपके बॉर्डर की, यू विल फॉलो जस्ट दीज फोर रोज एंड देन यू विल गेट दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। सी, जस्ट फॉलो दीज फोर रोज। जब तीन चार दफा आपने ये चार सिलाइयां रिपीट करेंगे ना, तो इस तरह से आपको इसका ये शेप दिखने लगेगा। फिर चाहे आप पूरे स्वेटर पे रखना चाह रहे हो, चाहे आप बॉर्डर बनाना चाह रहे हो, चाहे सिर्फ हुडी इसकी बनाना चाह रहे हो, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत ये डिजाइन लगता है सामने, और भी प्यारा लग रहा है। बस चार सिलाइयां रिपीट करते जाए, रिपीट फ्रॉम रो 1 to 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको सारे वीडियो रिसीव हो जाया करें। अल्लाह हाफिज़।